आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जोशी द्वारा उनके गृह निवास ग्राम रोला खेड़ी में कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पंकज जोशी ने बताया कि आज हरियाली महोत्सव है और इस अवसर पर हमारे द्वारा कार्यकर्ता मिलन समारोह का आयोजन रखा गया, जिसमें बेटी बचाओ वृक्षारोपण अभियान जल संवर्धन कार्यक्रम पर विशेष चर्चा की गई। कार्यकर्ता मिलन समारोह में उज्जैन, इंदौर, बड़नगर, शाजापुर, सुजालपुर, अरनिया कला एवं दूर दूर से कार्यकर्ता पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में पंकज जोशी द्वारा सभी कार्यकर्ताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया गया एवं पंकज जोशी ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। वहीं मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह पवार द्वारा बताया गया कि आज अरनिया कला मंडल में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मिलन समारोह भाई पंकज जी जोशी द्वारा आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम में 20 कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली गई एवं उनके निजी निवास पर रुचि भोजन का आयोजन भी रखा गया और कार्यक्रम का संचालन राजेश चंद्रवंशी द्वारा किया गया। जैसा कि पिछले कई दिनों से कोरोना चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मिलना हो नहीं पाया था। इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय पंकज जी जोशी द्वारा कार्यकर्ता मिलन समारोह ग्राम रोलाखेड़ी में रखा गया है, जिसमें मिलने का उद्देश्य और उनको बधाई भी देने का उद्देश्य था, क्योंकि उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया जब से मिलना भी नहीं हुआ था। इस तारतम्य को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सभी जिलों से और मंडलों से, विधानसभा से लोग आए, उनको बधाई दी एवं वृक्षारोपण आज हरियाली में स्थित वृक्षारोपण भी किया गया। बेटी बचाओ अभियान के ऊपर भी चर्चा हुई है, जल संरक्षण के ऊपर भी चर्चा हुई है। इस विषय को लेकर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए और एक भाई साहब को बधाई दी और कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। आज कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। हाँ, इतना भव्य कार्यक्रम देख के बहुत लोगों के मन में जिज्ञासा थी, तो कोरोना काल के चलते कार्यक्रम नहीं हो पाए थे, तो उनकी भावनाएँ थी कि हम भी इस बहुत बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और इसके सदस्य बने, तो आज बहुत लोगों ने यहाँ आके सदस्यता ग्रहण की और उनका हम भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हैं। करीबन 20 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। कैनन न्यूज़ के लिए सुजालपुर से अशोक मीणा की रिपोर्ट।